नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज लाइव राजस्थान। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा जोशी। आइए खबरों की ओर चलते हैं। ऐसा हाल है राजस्थान के बांधों का, अच्छे मॉनसून से बांध लबालब। राज्य में 22 बृहद बांध। बांधों की कुल भराव क्षमता का 87.4% पानी आया। अभी एक महीने और रहेगा मॉनसून। राजस्थान में अच्छे मॉनसून के कारण बांधों में पानी की अच्छी आवक हो चुकी है तथा लगभग एक महीने तक मॉनसून और रहेगा। बांधों में भराव की स्थिति के बारे में राज्य जल संसाधन आयोजन विभाग के मुख्य अभियंता केडी साधु ने बताया कि राज्य में 22 बृहद बांध हैं। 20 अगस्त तक इनकी कुल भराव क्षमता 8104 मिलियन क्यूबिक मीटर के विरुद्ध 7085 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की आवक हुई है। यह कुल भराव क्षमता का 87.4% है। अब तक कोटा बैराज, माही बजाज सागर, हारो, बिसलपुर, मौरेल, बुढ़ा, सोमकमला, अंबा, जवार सागर बांध और जाखम बांध पूर्ण रूप से भर गए हैं। बिसलपुर बांध के लबालब होने से जयपुर, अजमेर और टोंक के लोगों में काफी हर्ष है। 810 में से 285 बांध पूरे, 357 आंशिक भरे, 168 बांध अभी भी रिक्त। साधु ने बताया कि राज्य में कुल 810 बांधों में से 285 बांध पूर्ण रूप से भर गए हैं और 357 बांधों में आंशिक रूप से पानी की आवक हुई है तथा 168 बांध अभी भी रिक्त है। राज्य में बांधों की कुल भराव क्षमता का 77.16% भराव प्राप्त हो चुका है, जबकि इसी समय पर पिछले वर्ष कुल भराव मात्र 46% ही था। कोटा उदयपुर संभाग के बांधों में सबसे अधिक आवक। राज्य में कोटा व उदयपुर संभागों में स्थित बांधों में सबसे अधिक जल की आवक हुई है, जबकि जयपुर व जोधपुर संभाग के बांधों में आवक अपेक्षाकृत कम रही है। कोटा और उदयपुर संभागों के बांधों में 80% से अधिक का भराव प्राप्त हो चुका है। 20 अगस्त तक औसत से 42% अधिक बारिश। राज्य में 20 अगस्त तक की औसत वर्षा 385 मिलीमीटर के विरुद्ध 548 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो कि औसत से लगभग 42% अधिक है। 5 जिलों में ही औसत से कम वर्षा। अब तक की वर्षा के अनुसार राज्य के 8 जिलों में औसत से अत्यधिक, 12 जिलों में औसत से अधिक, 8 जिलों में सामान्य वर्षा और 5 जिलों अलवर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर और करौली में औसत से कम वर्षा दर्ज की गई है।